चैनल तो आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं अपने गांव में जा रहा हूं। सिटी से लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी है, तो मैं आधे से ज़्यादा चल के आया हूं। तो अभी मैं गांव पहुंचने में मेरे को और 20-25 मिनट लग जाएगा। तो मैं अपने गांव का सारे हमारा गांव के बारे में सारे बताएंगे और वीडियो बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहना। ओके गाइस, आए दोस्तों, हमारे गांव आ गया है, अभी धीरे धीरे पहुंचने वाला है। और 10 मिनट में ही मैं अपना घर पहुंचने वाला हूं। यहीं से शुरू होता है हमारा गांव। ये हमारा गांव के लीची बागान है, ये पूरा लीची का ही बागान है। और हर साल में यहाँ लीची बहुत होता है, तो सारे लोग खाने आते हैं यहाँ दूर दूर से। और इसके साइड में आम का भी है, ये काजू का पेड़ है, आम का, कटहल का, सरकारी है, ये सरकारी लीची बागान है। जब भी लीची होता है तो यहाँ पे ख़रीद के खाना होता है। तो और पब्लिक भी लीची पाकने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में पूरा लीची खरीद सकते हैं और अपने मतलब गोली लगती है यहाँ पे, कौन कितना में पूरा बागान को जो फल है उसको रखेगा। ये है स्कूल, इसी स्कूल में मैं पढ़ा था क्लास 10 तक बचपन से। ये हमारा गांव के स्कूल है, पुराना हो गया काफ़ी, और यहाँ मैं पढ़ा करता था बचपन में। पहुँच गया हूँ मैं अपने घर। ये है मेरा घर, ये मम्मी पापा का घर है, इसमें रहता हूँ। और ये मेरा टूटा फूटा घर अभी बने नहीं है, पूरा बनना बाकी है, आधा ही हुआ है। अभी दीवारें बनाना बाकी है, बहुत काम बाकी है इसमें। तो मैं पहुंच गया हूँ अपने घर। ये है हमारा तालाब, बहुत बड़ा तालाब है ये, और भी है। ये मेरा स्कूटी रख दिया हूँ इधर। तो मैं अभी घर के अंदर जाता हूँ, मम्मी पापा होगा, बाकी भाई लोग तो सारे बाहर रहते हैं, शाम को ही मिल पाएगा। तो दोस्त और भी जानकारी दूंगा आपको, जुड़े रहना वीडियो के साथ। ये बहुत बड़ा एरिया है, देखो जाल लगा हुआ है, पूरा बाउंड्री दिए क्या हुआ है। ये कम से कम 10 बीघा होंगे, उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो ये सारे जंगलों में जंगल काट के जो खड्डा बनाया जा रहा है, इस पे ये रबड़ घास लगाएंगे, रबड़ के पेड़ लगाएंगे ये सारे। तो इस तरह से रबड़ का बागान बनाया जाता है, अपना जंगल के एरिया काट के इस तरह से रबड़ का पेड़ लगाया जाता है। मेरे घर पे पूरा कचरा बड़ा हुआ है, अभी काम शुरू होना है, इस वजह से पूरा बजरी रखे हुए। तो इस बार काम शुरू होगा, मैं छत पे जाके देखता हूँ थोड़ा।
यहाँ से काफ़ी सुंदर दिखता है, यहाँ से चारों तरफ दिखाई देता है, इस तरफ भी दूर दूर तक दिखाई देता है। यहाँ ये नारियल है मेरा, ये सारे सुपारी है। इस आंगनबाड़ी में पूरा सुपारी लगा हुआ मेरा, ये आगर का पेड़ है, सुपारी, ताल, ताल की घास। ये नारियल बहुत पुराना हो गया, ये मेरा जन्म से भी पहले है ये नारियल। तो इस तरह से देखते हैं, ये छाट है मेरा, ये घर है। गुड मॉर्निंग, टी डी फैमिली ब्लॉग पे आप सबको मेरा स्वागत है। तो अभी मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे तालाब में आज मच्छी पकड़ने वाला है, तो मैं अभी मच्छी पकड़ते हुए दिखाऊंगा आपको। आप लोग जुड़े रहना वीडियो के साथ। अभी जाल तालाब में डाल दिया है, कितना मच्छी निकलते देखते हैं। कम ही होंगे क्योंकि ये जब बारिश आते हैं तो ये पूरा तालाब पानी से भर जाता है, तो तालाब की मच्छी सब बाहर चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं मच्छी का जो चारा है वो डालता नहीं हूँ, मैं जितने हैं उतने पकड़ के देखते हैं कितना बड़ा हुआ, और दो चार खाने के लिए पकड़ने वाला हूँ। यहाँ इतना देखभाल कर ही नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं घर में रहता नहीं हूँ, इस वजह से मच्छी भी बारिश के टाइम पे पूरा बह जाते हैं। नारियल सुपारी, सारे नारियल सुपारी ये लगा हुआ। ये आम का पेड़ है, और ये जो है ये मैंने इसमें मुर्गा पालने के लिए, कुछ भी पाल सकते हैं, मुर्गा पाल सकते हैं या सूअर पाल सकते हैं, तो इसी हिसाब से बनाया था। बांस का है ये, सारे बांस का, ये जितने साइड में ये सारे बांस का है। ये इसमें नेट भी लगा हुआ, जाली है, ये नेट भी लगा हुआ इसमें, मुर्गा भी पाल सकते, पालूंगा इसमें कभी टाइम मिले तो। और ये मेरा घर है, अभी बना नहीं है पूरा, ऐसे छत डाल के काम बहुत बचा हुआ अभी, और वो हमारा पुराना घर है। यहाँ पे इस आंगनबाड़ी में मेरा कम से कम अनारस का पेड़ भी है, ये आम का छोटे छोटे आम फल देने लग गया है, अभी तो नहीं है, ये जो साइड में है अभी तोड़ दिया फल, ये अनानास का साइड में पूरा अनानास का है ये पेड़, अभी जंगल हो गया, इसको एक दो दिन में साफ कराऊंगा। ये चंदन का पेड़ है, ये जो छोटी सी है, ये चंदन का पेड़ है, लेकिन सही नहीं है ये, इतना चार पांच चंदन का पेड़ है मेरा इस आंगनबाड़ी में। और उस तरफ केला का पेड़ है, नारियल, एक बंदा लगा हुआ उसमें काम पे। ये पूरा जंगल साफ कराऊंगा मैं कुछ दिनों में,
ये पीछे साइड में इस तरह से मेरा घर देखता है, ये इस तरफ ताऊ जी का घर है। तो आज मैं 2 दिन हो गया गांव आए हुए, मच्छी पकड़ लिया, गांव की कुछ वीडियो वगैरह मैं आप लोगों को शेयर किया हूँ। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ये घर के पास का तालाब। आज दोस्तों गांव का 2 दिन का सफ़र ख़त्म हो गया मेरा, आज चलता हूँ। तो तैयारी हो गया पूरा स्कूटी में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ओके गाइस, बाय बाय।